अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो आज भी आगे भी नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ कुछ मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी आप लोगों ने करने हैं। अगर आप लोगों को ना समझ आए तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। उसमें क्या कहा गया है? साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। ठीक है, अब हमने इसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट हल करते हैं। अब हमारे पास कोट थीटा जो है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है? कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा। टैन थीटा हमारे पास जो होता है, ये मैंने आप लोगों को अक्सर बताया, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो कोट थीटा जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये इसके साथ हम देखते हैं, ये इसके साथ आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारे पास आ गया कोस थीटा। साइन साइन के साथ 1 प्लस कोस थीटा। नेक्स्ट करते हैं, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बाकी करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओवर में क्या आ रहा है? साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या बन रही है हमारे पास? फंडामेंटल आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है? 1 प्लस कोस थीटा इंटू ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये इससे कट गया 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा किसका? इसके उल्टा होता है कोसेकेंट के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी इसी तरह के क्वेश्चन है, इसके साथ मिलते जुलते। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोग फार्मूला तैयार करोगे तो फिर ही आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, उसमें कहा है उसने 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई? 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। टेन थीटा किसके उल्ट होता है? मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। 2 साइन थीटा, उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी मैंने, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली रकम वैसे ही है, 2 साइन थीटा ओवर कोस थीटा। नीचे इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनता है? कोस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, ऊपर क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या बनता है? 2 साइन थीटा ओवर कोस थीटा, नीचे क्या बन गया? ये अब 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है,
क्योंकि ये हमारे पास क्या बन गया, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं जो तीन हैं, ठीक है, वो आप लोगों को तैयार करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट करते हैं, अब हमारे पास क्या बन रहा है, टू साइन थीटा, ठीक है, और कोस थीटा। अब ये यहाँ पे क्या, ये रकम हो रही है डिवाइड हो रही है, तो ऊपर जब लेके जाएंगे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये कोस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और ये वन, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया एक कोस के साथ, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, इज इक्वल टू टू साइन थीटा और कोस थीटा। हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरह का है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस फार्मूला जब आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोगों ने इजी वे में उसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 करता हूँ। 17 में हमारे पास है इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा को सीकेंड स्क्वेयर थीटा। तो ये है हमारे पास, अब हम फार्मूला लेफ्ट राइट साइड लेते हैं। लाजमी नहीं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो आप लोगों को इजी लगेगी साइड वो वाली आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले लेनी है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन हल हो रहा होता है, राइट हैंड साइड से क्वेश्चन हल नहीं हो रहा होता, इसलिए हम मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास होती है। इसमें हम क्या कहते हैं, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्केयर, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा स्केयर पूरे का, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या बन रहा है, इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, कोस थीटा साइन थीटा आ गया, ऊपर क्या बन गया, कोस थीटा है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये हमारे पास बन गया, ऊपर फंडामेंटल आइडेंटिटीज फिर बन गई, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के। हम इसे लिखते हैं वन, ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी करती है, ये जो है ना स्केयर अंदर मल्टीप्लाई भी, तो नीचे भी इनके साथ भी हो जाएगा साइन स्केयर कोस स्केयर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वन, नीचे क्या बन गया, कोस स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा। अब हमारे पास जो कोस स्केयर थीटा का उल्ट जो होता है वो क्या होता है, सीकेंड, तो ये आ गया सीकेंड स्केयर थीटा, ठीक है। और जो वन ओवर साइन स्केयर होता है, साइन का उल्ट क्या होता है, कोसीकेंड, ये हमारे पास क्या बन गया, कोसीकेंड स्केयर थीटा, ये हमारे पास क्या बन गई, राइट हैंड साइड। अगर आप लोगों को इस तरह ना पता लगे तो आप लोगों ने पता क्या करना है, इसको खुला करके वन ओवर कोस स्केयर थीटा डॉट वन ओवर साइन स्केयर थीटा इसका उल्ट लिख लेना है और फिर इसका उल्ट लिख लेना है, इस तरह से आप लोगों को इजी वे में समझ आ जाएगी। और फिर मैं यही बात बता दूँ कि फार्मूलाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों के सामने यहाँ पे भी फार्मूला लगा है, यहाँ पे भी फार्मूला, नेक्स्ट जब हम मज़ीद हल करते जाते हैं वहाँ पे भी हमारे पास फार्मूलाज लगते हैं, तो जब तक आप लोग फार्मूलाज तैयार नहीं करोगे तो तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट हम लेक्चर जो होगा ना उसमें हमने एक्सरसाइज का एंड कर देना है, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं, बाकी साथ के मिलते जुलते हैं, वो आप लोगों ने खुद करके देख लेने हैं, अगर फिर भी ना समझ आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी हम आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।